हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं फलाफल रैप बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने इसको 2 घंटे पहले धुली मूंग की दाल और चने की दाल को भिगो दिया है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। सबसे पहले मैं इसको सारा चीज़ इसमें डाल, अब मैंने इसे दाल सारी डाल दी है। अब इसमें एक छोटा अदरक इसमें डाल दूंगी, 2 मिर्चा, 4 कली लहसुन, थोड़ी सी धनिया। अब इसमें 1 बड़ा प्याज, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा, साबुत खड़ी धनिया और साबुत खड़ी काली मिर्च ऐड कर लूँगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लूँगी। ये मैंने इसको पीस के अब बाउल में से निकाल दूंगी। अब मैंने इसे बाउल में निकाल ली गया है। ये पेस्ट इतना गाढ़ा ही रहेगा और इसे मैं ढक के इसके लिए अब मैं सॉस बनाऊंगी। 1 बाउल मैंने दही लिया है, इसका पानी मैंने एकदम छान दिया है। इसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगे, इसमें ओनियन, 1 छोटा ओनियन, 1 छोटा टमाटर, थोड़ा सा चुकंदर, थोड़ा सा गाजर और इसमें थोड़ा सा खीरा। इसमें फिर स्वाद अनुसार नमक। ये सॉस है चिली सॉस एंड रेड सॉस, थोड़ी सी धनिया। अब इसे मिक्स कर लूँगी। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच मैं मेयोनीज ऐड कर दूँगी। इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसे ढक लूँगी। अब मैं उसका रैप बना लूँगी। अब मैं गैस ऑन कर लूँगी। अब इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे फैला दूंगी। थोड़ा सा ये मोटा रहेगा रैप मेरा। डाल दूंगी और इसको दोनों तरफ सेक लूंगी। इसको मैंने दोनों तरफ से सेक लिया है। अब मैं इस तरफ थोड़ा काट इस रैप को मैं अब काट। अब मैं इसमें चीज़ ऐड कर लूँगी। अब मैं ये सॉसेस इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूंगी। इसमें मैं ऐसे खीरा ऐड कर दूंगी। एंजॉय दिस। थैंक यू और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। बाय बाय।